तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हमारे बैकअप चैनल कार्तिक यादव के एपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर राउंड का मैच नंबर एक खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वुमेन्स वर्सेज मलेशिया वुमेन्स के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और भाई एक नंबर जैकपॉट मैच ही आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आप स्किप मत करना, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। बट अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो भाई आपके लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप काफी अच्छा इस वीडियो में प्रॉफिट कमा लोगे। तो प्लीज भाई अगर वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं, साथ ही एक एक प्लेयर के स्टैट्स आपके लिए लेके आऊं, साथ ही मतलब ऑलमोस्ट फाइनल प्लेइंग 11 बताने वाला हूं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, साथ ही एक डेमो टीम आपको मैं देने वाला हूं ड्रीम 11 की। तो सारी चीजें कवर होंगी भाई, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। अगर आपको काफी अच्छी विनिंग करनी है तो इजीली आप काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो, लेकिन भाई वीडियो को कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर, मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहां पर धीरे धीरे मैच के बारे में। डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो आपके सामने 22 नवंबर यानी कि आज ये मैच खेला जाएगा 11:30 AM यानी कि अब से लगभग 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे बाद ये मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो आईसीसी एकेडमी दुबई यूएई में ये मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई बैटिंग सरफेस आप मान सकते हो, 35 मैचेज यहाँ पर टोटल खेले गए हैं, जो ये भाई ये मैंस के मैचेज है, वुमेंस के मैचेज नहीं है भाई, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पर भाई 35 मैचेज खेले गए जिसमें से 23 मैचेज बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए, 12 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किए। एवरेज स्कोर की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 के आसपास है। अगर यहाँ पर बात करें वुमेन्स का एवरेज स्कोर तो मेरे हिसाब से भाई 120 से 125 या 130 आप मान सकते हो, इतना रह सकता है, ठीक है, बाकी भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी मेरे हिसाब से भाई यही रहने वाला है। अब बात करें यूएई वुमेन्स की, जो मतलब प्लेइंग 11 और प्लेयर्स के स्टैट्स है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो छाया मुगुल ने 24 मैच में 307 रन बनाए प्लस 16 विकेट निकाले, मतलब इससे अच्छा ऑलराउंडर आपको शायद इस पूरी दोनों टीम्स में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है और आप इसको ट्राई कर सकते हो। नताशा चरिता की बात करें तो 4 मैच में 2 विकेट निकाले। इसके अलावा समीरा दरिंदारका की बात करें तो 21 मैच में 17 विकेट। कविस्का अडोडजे की बात करें तो 24 मैच में 833 रन और 17 विकेट, देख रहे हो भाई मतलब कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये आपके लिए होने वाली है, आप खुद देख सकते हो 24 मैच में ऑलमोस्ट मतलब 1000 रन के आसपास पहुंचने ही वाली है, 30 मैच तक में भी पहुंच भी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 17 विकेट भी निकाले हुए हैं। इसके अलावा बात करें माइका गौर की तो 21 मैच में 17 विकेट निकाले। प्रियंजलि जैन की बात करें तो 14 मैच में 186 रन है। इसके अलावा सुरक्षा कोटे की बात करें तो 13 मैच में 15 विकेट है। ईशा रोहित की बात करें तो 11 मैच में 390 रन प्लस 10 विकेट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें चमानी सेने विरांथे की तो आप देख सकते सेने विरांथे की तो आप देख सकते हो 3 मैच में 29 रन प्लस 1 विकेट। खुशी शर्मा की बात करें तो 24 मैच में 139 रन प्लस 19 विकेट। जूडित पीटर की बात करें तो 2 मैच में 9 रन इन्होंने बना रखे। तो भाई ये रहने वाले हैं यहाँ पर यूएई की प्लेइंग 11 प्लस भाई प्लेयर्स के स्टैट्स। आप देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक स्टैट्स के प्लेयर हैं मतलब यूएई में। यहाँ पर आप छाया मुगल को इजिली कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा कविस्का अडोडजे को ट्राई कर सकते हो, इन्हें एज ए प्लेयर ट्राई कर लेना, माइका गोर और समीरा दरिंदारके में से किसी एक को। इसके अलावा प्रियंजलि जैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा कोटे ने भी काफ़ी अच्छी विकेट निकाल रखी, इसके अलावा ईशा रोहित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से नीचे की साइड आओगे तो खुशी शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर जैकपॉट प्लेयर आपके सामने हैं। अब वही अगर बात करें यहाँ पर मलेशिया की टीम की तो मलेशिया की टीम की भी यहाँ पर मतलब प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बात करें विनिफ्रिड की तो विनिफ्रिड ने अपना 48 मैच में 533 रन बनाए प्लस 32 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा भाई निक नूर अटिल्ला की बात करें तो 22 मैच में 16 विकेट इन्होंने निकाले। ऐसा इलिसा की बात करें तो 18 मैच में 13 विकेट इन्होंने निकाले। मास एलिसा की बात करें तो आप देख सकते हो 48 मैच में 586 रन प्लस 11 विकेट। एना हमजा हाशिम की बात करें तो 50 मैच में 127 रन और 22 विकेट। बात करें मायरा इज्जत इस्माइल की तो आप देख सकते हैं 33 मैच में 15 विकेट प्लस 180 रन बना रखे हैं। वान जूलिया की बात करें तो 29 मैच में 218 रन बनाए हैं। नूर अरीना नाथसा की बात करें तो आप देख सकते 26 मैच में 10 विकेट निकाले। यूरिना याकोब की बात करें तो 45 मैच में 377 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें नूर हयाती जकारिया की तो आप देख सकते हो 12 मैच में 6 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं।
इसके अलावा अमालिन सोरफिना की बात करें तो 12 मैच में 16 रन इन्होंने बनाए, प्लस 7 विकेट भी ले रखे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 रहेगी प्लस जो प्लेयर्स के स्टैट्स रहेंगे दोनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर करके बता दी है। अब बात करते हैं भाई ड्रीम 11 की टीम की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भी न्यू प्लेयर खेलेगी उसके स्टैट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा भाई जो फाइनल टीम है जो लाइनअप्स आने के बाद वो भी भाई मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई अगर आपको देखो जैकपॉट विनिंग करनी है ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर आप नेम देख सकते हो चैनल का। इसके अलावा भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं भाई ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है। यहाँ से भाई ई रोहित को मैंने ट्राई किया है विकेट कीपिंग सेक्शन में, ठीक है। प्रियांजलि जैन को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो वान जूलिया को आप ट्राई कर सकते हो, वान जूलिया का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है इसीलिए ट्राई नहीं किया। और अगर बात करें बैटिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई के अडोरजे हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा एम इस्माइल हमारी टीम में रहेंगे और वाई याकोब, भाई तीनों के तीनों काफ़ी खतरनाक है। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो ना तो आप एक दो मतलब अपने हिसाब से आप एक दो प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, जे पीटर को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक ठाक प्लेयर है, ऐसी कुछ खास प्लेयर है नहीं, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो ए हमजा हमीजा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एम इलेसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी मुगोल और यहाँ पर डब्ल्यू डोरी सिंगम की बात करें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं आपके लिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर माइक और एस्कॉट दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करें तो एस धरिंदारी का भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब एक बार आपको मैं टीम का प्रीव्यू दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैं कैप्टन और इस कैप्टन की बात कर लेता हूँ। कैप्टन भाई मैंने ऐसे सी मुगुल को बनाया, वो इस कैप्टन मेरी एम एल एसा होने वाली है। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से मतलब देखो डिफरेंशियल कैप्टन वो इस कैप्टन के साथ अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ऊपर से आप ई रोहित को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा के अडोरजे आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी भाई स्टैट्स आपके लिए अवेलेबल है ही वीडियो में, आप स्टैट्स एक बार चेक कर लेना, आपको जो भी प्लेयर लगे कि हाँ इसके स्टेट्स काफी ज्यादा अच्छे आप उसको ट्राई कर लेना। जैसे ऐसे अगर आप चाहो तो आप मतलब कविशा अडोरजे को आप ट्राई कर सकते हो, क्यों ट्राई कर सकते हो क्योंकि 24 मैच में ऑलमोस्ट 850 रन बना चुके हैं और काफ़ी अच्छी प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं, इसको आप कैप्टन और इस कैप्टन ट्राई कर लेना। बाकी जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल, फिर टीम का प्रिव्यू दे दूंगा। तो ये भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और भाई अब एक बार मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं, तो कुछ इस प्रकार के भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है और ऑलमोस्ट यही हमारी टीम रहेगी। अगर एक दो चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।